मामला सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराय थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 10 सितंबर को घर से बाहर खेल रही 8 वर्षीय मासूम बच्ची को पड़ोस में ही रहने वाले 15 वर्षीय किशोर ने बहला फुसला कर अपने घर बुलाया और दरवाज़ा बंद करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी तो किशोर मौके से फरार हो गया। वहीं चीख पुकार सुनकर जब लोग वहां पहुंचे तो इस वारदात को देखकर दंग रह गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, साथ ही मासूम को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ रविवार को पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही चंद घंटों के भीतर युवक को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। वहीं मासूम बच्ची को बेहतर इलाज और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस संबंध में SSP सुल्तानपुर विपुल कुमार श्रीवास्तव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बल्दीराय थाने के अंतर्गत एक घटना हुई थी 7 साल बच्ची के साथ, क्या मामला था? 10 तारीख को अभी सितंबर माह में बल्दीराय के एक गाँव में एक नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म के तहरीर मिली थी और उस पर अपराध पंजीकृत किया गया, क्राइम नंबर 295/22 अंडर सेक्शन 376 IPC और 5/6 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। इसमें पीड़िता का मेडिकल कराया गया और उसका समुचित इलाज चल रहा है और जो आरोपी था एक लड़का उसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा गया। बच्ची का क्या हाल चाल है, कैसी है पीड़िता? सही है पीड़िता, उस समय भी नॉर्मल थी और आगे के उसका जो जितनी भी मेडिकल जो कराया जाता परीक्षण कराया।